Hello everyone and welcome to Netcracker. आज से हम database management पढ़ना शुरू करेंगे. तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें important topics क्या क्या हैं जो ज़्यादा focus किए जाते हैं CBSE NET के exam में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि functional dependency, normalization, relational algebra, transactions, SQL queries and commands, ये सारे वो topics हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एक ना एक. तो आपको ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में. और उनके अलावा कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जैसे कि कीज़ कंस्ट्रेंट्स के बारे में, लॉसलेस जॉइंस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की कंडीशंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम और ER डायग्राम्स. ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार CBSE नेट में क्वेश्चंस पूछा गया है पेपर 2 और पेपर 3 में. तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जितना भी यूनिवर्स में डेटा पड़ा है वो सारा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की फॉर्म में होता है. तो उस डेटा को हम लोग तब तक यूटिलाइज़ नहीं कर पाते जब तक कि वो हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ना मिले. तो उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है डेटा, और वो डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें मिलते हैं जो कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. और फिर वो डेटा हमें इंफॉर्मेशन हमें एक डेटाबेस में स्टोर करवानी होती है जो कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है डेटा को सेव करने के लिए, जो हमें हेल्प करता है ईजीली रिट्रीव करने के लिए और सर्च करने के लिए डेटा. तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है कंप्लीट डेटा को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सेव करता है, और वहाँ से हम इजीली उसे रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एज़ पर आर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो हम एक आर्किटेक्चर देख लेते हैं. जो बेसिक आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है. तो इसमें क्या क्या बताया गया है हमें कि एक एक्सटर्नल लेवल होता है जो कि यूज़र व्यू होता है. जैसे कि हम एंड यूज़र हैं, ठीक है, तो हम अगर कोई क्वेरी लिखेंगे तो हमें उस क्वेरी के आउटपुट में क्या डेटा दिखेगा, वो क्या व्यू होगा, वो हमारा होता है एक्सटर्नल लेवल पे डिपेंड. और उसके लिए एक्सटर्नल स्कीमा डिसाइड करता है कि क्या क्या हमें दिखेगा, राइट. तो जो हमारा पूरा डेटाबेस है, अगर हमें उसको पूरे का पूरा एक टाइम पे हमें एक्सेस तो हमें कभी नहीं करना होता है, एक कुछ कुछ पोर्शन डेटाबेस के एक एक यूज़र को चाहिए होते हैं. तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें वो डेटा दिखाता है, डेटाबेस का वो पोर्शन दिखाता है. तो वो हमें एक्सटर्नल व्यू में दिखता है. और जो कंसेप्चुअल व्यू है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल व्यू, ये पूरे डेटाबेस का एक ही होता है. विच आई मीन टू से कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो होगा किसी एक डेटाबेस का वो एक ही होता है, क्योंकि इसमें सारी एंटिटीज़ और जितने भी रिलेशनशिप्स उन एंटिटीज़ के बीच में हैं वो सारे इस पोर्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. फाइन, उसके बाद आता है हमारा इंटरनल लेवल. इंटरनल लेवल होता है हमारा फिज़िकल लेवल, जहाँ पे डेटा एक्चुअल में स्टोर किया जाता है. तो ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, और अगर हमें डेटा एक्सेस करना है तो हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे. तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसा क्यों डिज़ाइन किया अलग अलग लेवल्स में? तो उसका सिंपल सा आंसर है ये, डेटा इंडिपेंडेंसी. इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा. मतलब एक है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और एक है फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंसी. इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी बदलाव, अगर हमें अपने कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंजेस करने हैं तो वो हम ईजीली कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी दीज एक्सटर्नल लेवल व्यूज. फाइन, तो इसका मतलब है कंसेप्चुअल स्कीमा कैन बी चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग दी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा. फाइन, तो ये हमें हेल्प करता है ईजीली डेटा चेंज करने के लिए. और वैसे ही फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंसी है कि सपोज़ हमारी डिस्क जहाँ पे हम डेटा सेव कर रहे थे वो अगर उसका स्पेस कम हो जाए तो हमें चेंज करनी हो, तो उसके लिए भी हमें आसानी से हम अपना इंटरनल लेवल का जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल व्यू. और आप डेटाबेस की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह भी पढ़ सकते हैं.
और अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे ईआर मॉडल के बारे में, जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हमें दिए गए थे, तो उनमें से एक ईआर मॉडल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो एंटिटी होती क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसे हम एंटिटी कहते हैं, फाइन। और उस हर एक एंटिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो सपोज़ हमारा एक कस्टमर एक एंटिटी है, एक कस्टमर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उस कस्टमर की क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर फ़ोन नंबर, कस्टमर एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें हमारी बन जाएंगी एट्रीब्यूट्स। किसके एट्रीब्यूट्स? दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। कस्टमर एक एंटिटी था तो उसकी एट्रीब्यूट्स हमारे हो जाएंगे ये कस्टमर आईडी, नेम एक्सेट्रा। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट जैसे कि कस्टमर आईडी, एक सिंपल वैल्यू इसमें स्टोर होगी। फिर एक होते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि नेम। नेम हम तीन टाइप्स में सेव करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। सो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड, फाइन। आफ्टर दैट वी हैव सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में खाली आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट के आप के पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर। एक कस्टमर के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है। फिर हमारे पास है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि हम किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं। तो सपोज आपके पास डेट ऑफ बर्थ है प्रेजेंट आपके कस्टमर की, और आपको उसकी एज फाइंड आउट करनी है, तो आप जो करंट डेट है सिस्टम की उसमें से अगर आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो आपके पास एज आ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, फाइन। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हम ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो एंटिटी एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होती है, एट्रीब्यूट एक ओवल में होता है, रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ डायमंड शेप, एरोज इन सभी चीज़ों को आपस में लिंक करने के लिए हेल्प करता है। फिर डबल डायमंड शेप जो है वो रिलेशनशिप बताती है एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बारे में। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थरली। और जो ये है डबल ओवल, ये होता है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जैसे कि आपके फ़ोन नंबर हो गए जो कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आपके पास आई डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आपके डैश्ड ओवल में सेव होते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जैसे कि एज, एज वो थी जो कि किसी और एट्रीब्यूट से हमने डिराइव किया था। फिर वीक एंटिटी एक डबल रेक्टेंगल में सेव होती है, ठीक है। तो अब जितनी भी एंटिटीज़ हमारे पास हैं, तो हमें पता है कि जो हम इन एंटिटीज़ का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो ईआर डायग्राम में हम रिलेशनशिप्स जो डिफाइन करते हैं वो इन वन इज़ टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी की फॉर्म में करते हैं रिलेशनशिप्स। तो एक आप ये देख सकते हैं कि एग्जांपल है वन टू मैनी का, कि आपके पास एक टीचर है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, तो ये वन टू मैनी का एक एग्जांपल हो गया, फाइन। और वैसे ही इसको ऑपोजिट कर देंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर असाइन होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पूरे डेटाबेस में कितने ही एंटिटीज़ होंगी और कितने ही उन एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करने के लिए रिलेशनशिप्स होंगे। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे अभी, बट उससे पहले आप एक बार ये भी पढ़ लीजिए इन्हांस्ड ईआर डायग्राम्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप के ईआर डायग्राम्स हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन आता है। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरलाइजेशन हमारा बॉटम अप अप्रोच होती है जिसमें टू लोअर लेवल एंटिटीज़ कम्बाइंस टू मेक अ हायर लेवल एंटिटी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दो लोअर लेवल एंटिटीज़ हैं, सेविंग्स और करंट। ये दोनों क्या हैं? एक टाइप के अकाउंट्स हैं। तो सेविंग एंड करंट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट। सो ये जनरलाइजेशन हो गई कि ये दोनों एंटिटीज़ जो थी वो एक जनरल फॉर्म की क्या है, अकाउंट्स हैं एक्चुअल में। तो ये हमारी बॉटम अप अप्रोच होगी कि छोटी एंटिटी से हम हायर लेवल एंटिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इट बिकम्स जनरलाइजेशन। सिमिलरली स्पेशलाइजेशन, इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच इन विच वन हायर लेवल एंटिटी
कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू टू लोअर लेवल एंटिटीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट है एक एंटिटी, इट कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इंटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। एक है एक्स स्टूडेंट्स और एक है करंट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, बट वो दो टाइप के बताए गए हैं, एक एक्स स्टूडेंट्स और एक करंट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्या होगी, स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन के लिए। फाइन, अब हमारे पास एक थर्ड टाइप का है एग्रीगेशन। अब ये क्या चीज़ है, एग्रीगेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। हियर द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड कोर्स इज एक्टिंग एज एन एंटिटी इन रिलेशन विद विजिटर। अब यहाँ देखिए आप, ये एक पार्ट है, सेंटर और कोर्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि है ऑफर। एक सेंटर क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहा है, तो वो रिलेट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ऑफर से। बट आप अगर देखें कि ये पूरी हमने एक सिंगल एंटिटी मानी है और इस पूरी एंटिटी को हम रिलेट कर रहे हैं विजिटर के साथ, जो कि एक रिलेशनशिप इंक्वायरी से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि एक विजिटर इंक्वायर करेगा कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं सेंटर में। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि जब एक जब हम क्या बोलते हैं इसे, रिलेशन, एक ऑलरेडी एक रिलेशन प्रेजेंट है जो कि दो एंटिटीज़ के बीच में है, जब हम उस कंप्लीट सिस्टम को एक कंप्लीट एंटिटी मानते हैं और उसको हम एक दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट करते हैं एक रिलेशनशिप के थ्रू, तो वो क्या बनता है, एग्रीगेशन। तो इसके ऊपर कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। यहाँ पर हम एक ईआर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 2017 के जनवरी एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18। सो इसमें कहा है, लेट एम एंड एन बी टू एंटिटीज राइट इन ईआर डायग्राम विद सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर वन एंड आर टू। आर टू रिलेशनशिप्स बिटवीन एम एंड एन, वेयर एज आर वन इज वन टू मैनी एंड आर टू इज मैनी टू मैनी। The minimum number of tables required to represent M, N, R1, R2 in the relation model are, तो ये आपको options दिए हैं 4, 6, 7, 3। तो answer इसका 3 है, पर कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो हम ये rules देख लेते हैं कि इनके पास, हमारे पास दो rules हैं कि जो strong entity, weak entity और मैनी टू मैनी रिलेशन, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको हम एक सिंगल टेबल में, सेपरेट टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज वन टू मैनी रिलेशंस जो हैं उनको हम सेपरेट टेबल में नहीं रिप्रेजेंट करते। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो इस क्वेश्चन के बेस पर आप एक ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो हमें कहा गया था कि दो एंटिटीज़ हैं एम और एन, जिनकी एक एक एट्रीब्यूट है, और एम और एन में एक रिलेशन है वन टू मैनी का और दूसरा रिलेशन है मैनी टू मैनी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायग्राम बना है। ठीक है, तो अब जो हमने रूल्स पढ़े उसके बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कि जो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हम एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ एम और एन दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं, तो ये दोनों एक सिंगल टेबल में रिप्रेजेंट होंगी राइट। और हमने पढ़ा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी एक सिंगल अलग टेबल में रिप्रेजेंट होता है, तो आर टू भी अलग टेबल में रिप्रेजेंट होगा। बट वन टू मैनी जो है उसके लिए हमें एक अलग टेबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 1, 2, 3, ये तीन टेबल्स आ गए। तो इसका आंसर क्या था, 3, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि M is an entity, need a table for its representation, which is table 1. वैसे ही N is an entity, which is represented by inner table, table 2. और many to many relation है जो R2 का, उसके लिए एक अलग table चाहिए, और many, one to many relationship जो है उसके लिए we do not need the table, therefore there is no table required for that. तो in total हमारे पास 3 tables हो गए। Fine. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे ईआर डायग्राम्स के ऊपर। बल्कि ट्रू एंड फॉल्सेस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो आप ये प्लीज़ एक बार थरली पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।